पानी बहुत पीना था ना, पर कटियावाड़े जाना था। ओम शांति। जरूर लिखें दुखद भरी खबर इस समय की। जीएमसी जम्मू के मोर्चरी के बाहर से आपको बताने जा रहे हैं। यहां पर आपको बता दे चलें कि अमृतसर से कश्मीर की ओर जा रही एक गाड़ी के ऊपर रामबन के मुकाम पर जो है पत्थर गिरने के नतीजे में एक 13 साल लड़की की जो है वो उसमें जान चली गई है, और फिलहाल वो परिवार इस समय हमारे साथ हालात है। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि किस वक्त इस पूरा जो हादसा पेश आया इसके बारे में थोड़ी जानकारी। भैया हम अमृतसर से श्रीनगर जा रहे थे, बच्चे छुट्टियाँ थी, घूमने जा रहे थे। तो जहाँ जब रामबन के पास पहुँचे तो शायद लाइट लैंडिंग हो रही थी, तो उन्होंने ट्रैफिक चलने दिए, दे रहे थे, रुकी नहीं थी ट्रैफिक, रुकी नहीं थी, स्लो स्लो चल रहे थे। अच्छा। तो पत्थर आया, गिरा, तो पत्थर सीधा गाड़ी पे आके लग गया। गाड़ी पे लगा, गाड़ी साइड पे लड़की बैठी हुई थी, बच्चा था जो 12-13 साल की है, उसके लगा तो जो लगा वो सिर पे चोट लग गई। लड़की का क्या नाम था? हर्षिता अरोड़ा। कितनी उम्र होगी लगभग? 12 साल करीब करीब है उसकी उम्र। गाड़ी में कितने लोग सवार थे? गाड़ी में हम 6-7 जने सवार थे, क्रेटा गाड़ी थी। अमृतसर से कश्मीर की ओर जा रहे? हाँ जी। क्या लगता है कि किसकी लापरवाही रही होगी? अगर पत्थर गिर रहे थे तो फिर गाड़ियों को आगे जाने की इजाजत क्यों दी? लापरवाही तो देखो जी, सरकार जो उस वक्त काम करने वाली उनका ही होगा, तो हम क्या बोल सकते हैं इसके लिए। अभी क्या मांग करना चाहते हैं? मांग हमारी कोई नहीं है अभी, हम हमारे साथ तो जो हादसा हुआ किसी और के साथ ना हो, बस यही हम चाहेंगे कि चलो हमारे साथ तो हो गया। अगर लैंड स्लाइडिंग हो रही है तो आपको ट्रैफिक रोकना चाहिए, ना कि उसको चलने देना चाहिए। बिल्कुल। ये हर्षिता अरोड़ा के फादर साहब थे और उनकी मदर भी हमारे साथ हैं, इनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। मैम क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से? प्रॉब्लम तो नहीं रख पाएंगे, उन्होंने ज़्यादा लगी है, मदर मदर नहीं बोल पाएंगे। तो देख सकते हैं कि माँ का इस समय जो है वो रो रो कर बुरा हाल है। जिस तरह से ये जो है वो अमृतसर के से जो है वो कश्मीर की ओर घूमने के लिए जा रहे थे, लेकिन ऐसे में जैसे रामबन के मुकाम पर पहुंचते तो वहां पर हाईवे पर पत्थर गिरने की वजह से जो है पत्थर इनकी गाड़ी की बारी के साथ हिट करता है, जिसके नतीजे में इस 13 साल की लड़की की जो है वो जान चले जाती है। भाई जी क्या कहना चाहेंगे, जो आप भी यहां पर पहुंचे बजरंगदल से, तो आज क्या कहना चाहेंगे इस तरह से एक बड़ी लापरवाही जो है वो नेशनल हाईवे अथॉरिटी की तरफ से देखने को मिली है, जिसमें एक 13 साल की लड़की की जान चली गई? देखिए क्या कहेंगे, सबसे पहले तो दुखी है, बहुत बहुत इस परिवार के प्रति मेरी संवेदना। देखिए हमारे जो संगठन के जो लोग हैं अमृतसर से, मुझे सुबह फोन आया कि ऐसे ऐसे बच्ची की जो है मृत्यु हो गई है NH-44 की लापरवाही से, और उसमें सबसे ज्यादा लापरवाही मेरे को लगता है NH-44 की है, कि जिन्होंने अगर वहां से स्टोन पेल्टिंग हो रही है उनके पास पूरा तंत्र है कि जब ऐसी कोई घटना घटती है तो वो पूरा उस पर संज्ञान ले लेते हैं, ट्रैफिक रोक देते हैं। बट ट्रैफिक चल रही है और सडनली बीच में से बच्ची को हिट होता है, सर पे हिट हुआ बच्ची को, रामबन जो भी वहाँ पे हॉस्पिटल था कंसर्निंग, क्योंकि पेरेंट्स जो है अमृतसर से हैं, वहाँ ले गए, वहाँ से इनको जो है फर्स्ट एड दे के रेफर कर दिया गया। ये जो रेफरल सिस्टम जो है ना, ये मुझे लगता है कहीं ना कहीं मेन कॉज ऑफ डेथ है, कि हर एक जो हॉस्पिटल्स हैं सारा लोड जो है मेन डिस्ट्रिक्ट जम्मू के हॉस्पिटल पर आता है सारा, और कहीं ना कहीं अगर ऐसे आप देखा जाए तो क्या होता है कि हर बार हमने देखा है, आप भी देखते होंगे, कि मौत का कारण क्या बनता है कि वहां से उनको रेफर करके यहाँ भेज दिया गया। तो ये जो रेफर सिस्टम है ना, मेरे को लगता है कहीं ना कहीं ये मौत का कारण है, और ये इस जो बच्ची की जो मौत हुई है इसकी जिम्मेवारी NH-44 को कहीं ना कहीं उठानी पड़ेगी, क्योंकि उन्हीं की गलतियों के कारण जो है ये हादसा जो पेश आया। दुखद खबर इस समय की जीएमसी जम्मू के मोर्चे से आपको बताने जा रहे थे। यहाँ पर अमृतसर के रानी शरीफपुरा से जो है वो टूरिस्ट जो है वो अमृतसर से कश्मीर की ओर जाते, लेकिन जैसे ही रामबन के पास वो वहां पर पहुंचे तो अचानक वहां पर लैंडस्लाइड होने के नतीजे में एक पत्थर वहां पर जो है वो गाड़ी पर गिरता है, और जिसके नतीजे में 13 साल की लड़की जिसका नाम हर्षिता अरोड़ा डॉटर ऑफ शमशेर सिंह है, और ये रानी शरीफपुरा अमृतसर के रहने वाले थे, ये जो है वो उस पत्थर की चपेट में ये लड़की आ जाती है, और जिसके नतीजे में इसकी जो है वो वहां पर जाने की जान जो है वो चले जाती है। दुखद रहता है जब इस तरह के मामले सामने आते हैं, कई बार इस तरह के इंसिडेंट्स जो है वो रामबन में देखने को मिलते हैं, लेकिन ये कहें कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी जो है वो खामोश तमाशाई बनकर हाथ पे हाथ धरे बैठी है, और लगातार इस तरह की लोगों की जिंदगियां जो है वहां पर जाया होती जा रही है। माता रानी से वाहेगुरु के आगे, अल्लाह के आगे, आप सब लोग ये दुआ करें कि इस 13 वर्षीय हर्षिता अरोड़ा की आत्मा को जो है वो शांति मिले। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर, जम्मू।